Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? अगले दिन सुबह ही प्रीति की तबीयत बिगड़ गई थी। लड़कियों ने भुवन को तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन प्रीति को मासिक धर्म की मासिक समस्या ही थी। इस वजह से प्रीति की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चार मंजिल उतारकर फिर भुवन के साथ कोचिंग सेंटर जा पाती। सुहाना और रंजू अपनी कोचिंग क्लास मिस नहीं कर सकते थे। इस वजह से सभी ने भुवन को सुझाव दिया कि वो अकेला ही कुछ कोचिंग सेंटर्स में जाकर एडमिशन के बारे में पता कर ले। तीनों देवियों ने उन्हें कोचिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए और उसे अकेले ही इस कोचिंग की काली दुनिया में चौथी मंजिल से धक्का दे दिया। भुवन महाराज इस वक्त उसी काली दुनिया के चमकते हुए होर्डिंग्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। घूमते हुए भुवन बाबू इस वक्त रिंग रोड पर आ गए थे। जैसे ही किंग्सवे कैंप की बत्ती से मुड़े तो सामने ही बत्रा सिनेमा नजर आ गया। पीवीआर के दावानल ने दिल्ली के जिन सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स को निगल लिया था, बत्रा सिनेमा भी उन्हीं में से एक था। आज उस पर फिल्मों के बैनर के स्थान पर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के 100% सफलता के दावे वाले बैनर चमक रहे थे। भुवन बत्रा सिनेमा के चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि चाय की दुकान पर अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती हुई उसे ट्रेन की वही बसंती नजर आ गई जिसका नाम वैशाली था। टोले से निकलने के बाद वही पहली लड़की थी जिसका नाम अनजाने में भुवन जान गया था, और इसी वजह से इतनी शिद्दत से उसका नाम अभी तक भुवन के सहन में बसा हुआ था। भुवन उसके नजदीक जाने का लोभ संवरण ना कर सका। उस वजह से डेरे पर दूध चीनी पत्ती सब होते हुए भी वो उस चाय वाले राम खिलावन को एक चाय का ऑर्डर कर बैठा था। भैया चाय फुल चाहिए या कटिंग दो? राम खिलावन ने भुवन की तरफ देखते हुए बोला। ये कटिंग चाय क्या होती है चाचा? हमारी माई तो हमेशा एक ठो गिलास भर के चाय दिया रहे, भुवन ने कुछ जोर की आवाज में राम खिलावन को बोला। तो आसपास खड़े सभी लड़के लड़कियों का झुंड उसे ही देखने लगा, यहां तक कि वैशाली भी उसी की ओर घूर रही थी। भैया लगता है कि आजकल में ही आकर दिल्ली की आबादी बढ़ाए हो। ये तुम्हारे माई का चौका नहीं है जहाँ गिलास भर के चाय मिलेगी। यहाँ फुल चाय के 10 रुपया और कटिंग चाय के 5 रुपया लगते हैं, राम खिलावन ने उससे भी तेज आवाज में बोला। तो वहां खड़े सभी लोग ठहाका मार कर हंस दिए। काका इसे फुल चाय दे दो, ये हमारे साथ है। तभी वैशाली भुवन के पास आकर खड़ी होते हुए बोली। भुवन हैरानी से वैशाली की तरफ भी देखता रह गया। जो लड़की ट्रेन में उससे एक बार भी नहीं बतियाई थी वो यहाँ सबके सामने उसे अपने साथ बता रही थी। और हीरो ट्रेन से उतरने के बाद तो तुम कहीं नजर ही नहीं आए, सीधा यहीं की बस पकड़ लिए थे क्या? वैशाली इस वक्त सबको यूं जाहिर कर रही थी मानो भुवन के साथ उसकी वर्षों से जान पहचान हो। तभी राम खिलावन ने चाय का एक गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया, जिसके पैसे भी भुवन का हाथ उसकी जेब तक पहुंचे उससे पहले ही वैशाली ने चुका दिए। भुवन बस अभी तक खामोश नजरों से उसे देखे जा रहा था। तब तक वैशाली की तीनों सहेलियां भी उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई थी और उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। हम बेतिया से हैं और ये वही बापू धाम से है, हमारे पूरे जिले में टॉप किया है, हमारे साथ ही ट्रेन से दिल्ली आए थे। वैशाली ने बिना पूछे ही अपने सहेलियों को भुवन का परिचय दे डाला था। सब कुछ तो इसके बारे में बता दिया, अब इसका नाम तो बता दे। तभी उनमें से एक चश्मा लगाए हुए लड़की ने बोला। अब ये हीरो अपना नाम खुद बताएगा। वैशाली को खुद उसका नाम नहीं पता था। जी मेरा नाम भुवन है, भुवन ने उस आकस्मिक झटके की परिस्थिति से उबरते हुए कहा। भुवन, यू मीन भूवी, बहुत कूल नाम है यार। इस बार दूसरी लड़की ने बोला। यहाँ कमरे का और कोचिंग का ठिकाना हो गया या नहीं? वैशाली ने बात को बदलते हुए कहा। कमरा तो मिल गया था कल, सब कोचिंग और किताबें ही बाकी हैं। भुवन ने वैशाली की बात का जवाब दिया। मैं तो अपनी इन्हीं सहेलियों के साथ यहीं रह रही हूँ, सब भी अपने उधर की है। यहाँ हम सब बिहारियों को नीचे निगाहों से देखते हैं और खासकर ये यूपी के भैया लोग तो कुछ ज्यादा ही हमसे सुपीरियर समझते हैं। साले ये नहीं जानते कि सबसे ज्यादा IAS बिहार से ही होते हैं, वैशाली ने रोष भरे स्वर में कहा। अब इसमें इनका भी क्या कसूर है? हमारे बिहार के नेताओं ने हमारी छवि ही मजदूरों वाली बना दी है, इसलिए किसी ऊंचे ओहदे पर किसी बिहारी का बैठना किसी को भी हजम नहीं होता, भुवन ने गंभीर स्वर में बोला। अब यही बात करते रहोगे या यहाँ से चलोगे भी? वो
वही चश्मे वाली लड़की फिर से बोली, चलो अभी हम चलते हैं, हमें भी अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। अपना फोन नंबर दो ना, इस परदेश में अपने घर गांव के लोगों में आपस में कांटेक्ट रहना चाहिए ना। वैशाली ने भुवन को बोला। भुवन ने अपना नंबर बताने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। वैशाली ने उसके नंबर को अपने मोबाइल में सेव किया और फिर एक मिस कॉल दे दी। भुवन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर को देखा। ये हमारा नंबर है, इसे सेव कर लो वैशाली के नाम से। वैशाली ने मुस्कुरा कर बोला, आपका नाम तो ट्रेन में ही जान लिए थे, तुम्हारे पापा तुम्हें इसी नाम से पुकार रहे थे, तब से याद है हमको। भुवन ने भी मुस्कुरा कर ही जवाब दिया। स्मार्ट बॉय, शार्प मेमोरी है, तभी पूरे जिले में टॉप किए हो। चलो मिलते हैं फिर। ये बोलकर वैशाली ने उसकी तरफ विदा लेने वाले अंदाज में अपना हाथ बढ़ाया। भुवन ने उस हाथ को ऐसे थाम लिया जैसे मेले में कोई बच्चा पिछड़ने के डर से अपने माँ बाप का हाथ थाम लेता है। उसके बाद वैशाली अपनी सहेलियों के साथ वहां से कूच कर गई। भुवन अभी भी उसी हाथ को देखे जा रहा था जिसे कुछ पल पहले ही वैशाली ने थामा था। वैशाली के रुखसत होते ही भुवन अब बत्रा सिनेमा के परिसर की ओर बढ़ गया था, जहां बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के बड़े बड़े बैनर अपनी 100% सफलता के दावों का परचम लहरा रहे थे। बत्रा सिनेमा पर कभी फिल्म प्रेमियों की भीड़ ही नजर आ जाती थी। इस सिनेमा के पास ही विश्वविद्यालय का परिसर होने के चलते यहाँ कॉलेज के निब्बे निब्बियों की दोपहर और शाम के शो में जबरदस्त भीड़ रहती थी। भुवन ने देखा कि उस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मुहाने पर उड़ान के नाम से एक कोचिंग सेंटर का बैनर लटक रहा था और उस बैनर पर ढेर सारे युवक युवतियों के चेहरे चमक रहे थे जो कि इस कोचिंग से पढ़कर विभिन्न सरकारी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे थे। भुवन उस कोचिंग सेंटर के नाम को मन ही मन कंठित करता हुआ अंदर प्रवेश कर गया। पता चला कि उड़ान तीसरी मंजिल के मध्य में स्थित है। भुवन ने जब इस उड़ान के ऑफिस में कदम रखा तो उसे सामने एक सांवले से रंग की लड़की जिसके नैन नक्श शानदार थे एक नजर अपने डेस्कटॉप में कड़ा कर बैठी हुई थी और एक नजर उसके खुद के मोबाइल पर बराबर जमाए हुए थी। मोबाइल में शायद इस वक्त विशेष संदेश का आदान प्रदान हो रहा था और उस नव यौवना के चेहरे पर बरबसी मुस्कान कभी आ रही थी और कभी जा रही थी। वो उन संदेशों में इतना खोई हुई थी कि भुवन कब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। सलोनी, मोबाइल को बाद में देख लेना, पहले जो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है उसे भी देख लो। तभी एक आधे सर के सफाचट बालों वाला एक शख्स दीवार के पीछे कहीं से चिल्लाया। कानों में आवाज पड़ते ही वो सलोनी नाम की मोहिनी सी सूरत वाली लड़की ने हड़बड़ाकर भुवन की ओर देखा। बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? सलोनी की आवाज से उसकी शर्मिंदगी छलक रही थी क्योंकि भुवन के सामने ही उसे अपने बॉस की डांट पड़ चुकी थी। जी, मुझे कोचिंग के बारे में बात करनी थी। भुवन ने कुछ झिझकते हुए बातचीत की शुरुआत की। आप किस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या एसएससी की? सलोनी अब अपनी व्यावसायिक सुलभ मुस्कान उसकी ओर बिखेरने लगी थी। यूपीएससी की तैयारी करनी है, भुवन ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। गुड, आपको जानकर खुशी होगी कि आप मुखर्जी नगर के सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर में आए हैं। हम ना केवल आपके सपनों को सार्थक करते हैं बल्कि उनको ऐसी उड़ान प्रदान करते हैं कि कोई भी रुकावट आपकी सफलता के रास्ते को रोक नहीं सकती। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई आपकी? सलोनी अपनी मार्केटिंग के रटे हुए डायलॉग बोलने के बाद सबसे आखिर में सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल सरकाते हुए बोली, जी ग्रेजुएशन तो हो गई है, पूरे जिले में टॉप किए हैं जी, चंपारण बिहार से। भुवन ने गर्व भरे स्वर में कहा। वाह, तो आप भी बिहार से? बिहार की माटी को प्रणाम है जो सिर्फ आईएएस ही जानती है। सच बोलूं, आपका सिर्फ एक अकेला बिहार ही है जो आईएएस में अपना झंडा सबसे ऊंचा लहराता है। आप भी पूरे चंपारण का और बिहार का आईएएस की दुनिया में अपना परचम लहराओगे क्योंकि हम आपको देंगे दिल्ली की सबसे बेस्ट फैकल्टी, मॉक टेस्ट और आपके विषयों के सबसे विद्वान शिक्षक। आपका नाम क्या है? बिहार की शान में कसीदे पढ़ने के बाद फिर से सबसे आखिर में अपना सवाल सरका दिया था उसने। जी, मेरा नाम भुवन है। बिहार की गौरव गाथा एक सुंदर कन्या के मुख से सुनकर गौरवान्वित हुआ भुवन गर्व भरे स्वर में ही अपना नाम बता गया। भुवन मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में तो भुवी के नाम से ही जाने जाते होंगे। लड़की मार्केटिंग के चोचलों में माहिर खिलाड़ी थी।
और लगातार भुवन की नब्ज पकड़ रही थी। भुवन ने मुरीद नजरों से उसकी तरफ देखा। जी सब भुवी ही कहते हैं। एक बात पूछनी थी, बाहर जो आपके बोर्ड पर इतने सारे लड़के लड़कियों के फोटो लगे हुए हैं, उन सभी को आपने ही कोचिंग देकर सफल बनाया है? भुवन ने झिझकते हुए सवाल किया था, लेकिन सलोनी ने उतना ही सधा हुआ जवाब दिया था। जब हमारे बोर्ड पर उनके फोटो लगे हुए हैं, तो यही कहा जाएगा ना कि वो हमारी दी हुई कोचिंग से ही सफल हुए हैं। आजकल तो गूगल का जमाना है भुवी, किसी के भी झूठे दावों की एक मिनट में पोल खुल जाती है। इसलिए कहती हूँ कि सिर्फ हमारे दावे और उन बोर्ड की फोटोज को देखकर ही अपना कोई निर्णय मत लेना, बल्कि यहाँ से जाते हुए उन सभी स्टूडेंट्स का मुझसे फोन नंबर लेकर जाना और अपने कमरे पर जाकर तसल्ली से सबसे बात करके हमारे बारे में जानना, उसके बाद ही हमारे यहाँ से कोचिंग लेनी है या नहीं उसका फैसला करना। सलोनी ने प्रभावी स्वर में बोलने के बाद अपनी बातों का प्रभाव भुवन के चेहरे पर देखने के लिए उस पर अपनी नजर गड़ा दी। भुवन किसी चमन चूतिए की तरह सलोनी की अपनी ओर देखते हुए इन झील सी आंखों में ही हो गया। नहीं, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है मैडम, आप ऐसे ही किसी का फोटो अपने बोर्ड पर थोड़ी लगा सकती हैं। मैं आपके यहां ही कोचिंग लूंगा मैडम, भुवन ने मुरीद नजरों से उसे देखते हुए मुरीद स्वर में ही उसे बोला था। मैडम नहीं, मुझे सलोनी बोलो और मुझे अपना दोस्त समझो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो मेरे पास कभी भी आ सकते हो। सलोनी ने जवान खून के लहू को पानी करने के लिए अपना आखिरी तीर चला दिया था। अपने विषय चुन लिए क्या तुमने? अब सलोनी मुद्दे पर आ चुकी थी। जी, समाजशास्त्र और हिंदी, भुवन ने एकदम से जवाब दिया था। समाजशास्त्र तो सही है, लेकिन हिंदी का चुनाव मुझे थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि एकदम शुद्ध हिंदी की वर्तनी का प्रयोग करना होगा परीक्षा में, वहाँ चालू भाषा में लिखने से काम नहीं चलेगा। सलोनी ने अपना ज्ञान उकेरा। अरे सलोनी, हम बिहार से हैं, हम हिंदी में कर लेंगे, हमारी बोली पर ना जाओ, भुवन ने विश्वास भरे शब्दों में बोला। इसमें कविता, गद्य, कथा साहित्य, भाषाओं का विकास और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। वैसे हमारी फैकल्टी में हिंदी के बहुत अच्छे शिक्षक मिलेंगे, आपको इस विषय की तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ से अच्छी कोचिंग कहीं भी नहीं मिलेगी। सलोनी ने बड़ी कुशलता से भुवन पर अपनी बातों का प्रभाव जमा लिया था। ठीक है, फिर आप मुझे एडमिशन फॉर्म दे दीजिए और अपनी फीस बता दीजिए, मैं कल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। भुवन अपना पक्का मन बना चुका था। सलोनी भुवन के चेहरे के भावों से समझ चुकी थी कि बकरा अब हलाल होने के लिए कहीं और नहीं जाएगा। तभी उसने एक लड़के को आवाज लगाई और एक कप चाय लाने का भी आदेश दे दिया। ये चाय एक चारे के रूप में पिलाई जा रही थी। चाय पीते भुवन ने एक बार फिर से सलोनी की तरफ मुरीद नजरों से देखा। बिहारियों के लिए कितना आदर सम्मान था इसके मन में। वो मन ही मन सलोनी के नाम से जयकारे लगाते हुए सीढ़ियां उतरने लगा था।